एमआईएम के प्रमुख हसदुद्दीन अवैसी ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बीजेपी के दो नेताओं की कथित विवादित टिप्पणियों को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोला। हसदुद्दीन अवैसी ने कहा कि बीजेपी ने अपने दोनों नेताओं यानी कि राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा और दिल्ली इकाई के मीडिया प्रमुख नवीन जिंदल पर कार्रवाई करने में देरी की। दोनों के खिलाफ करीब 10 दिन पहले कार्रवाई होनी चाहिए। हसदुद्दीन अवैसी ने दावा करते हुए कहा कि बीजेपी ने गल्फ देशों में भारत के खिलाफ उठी आवाज के बाद अपने नेताओं के खिलाफ एक्शन लिया है। नूपुर शर्मा विवाद पर एआईएमआईएम के प्रमुख हसदुद्दीन अवैसी ने एक न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान कहा कि खाड़ी के देशों में यह मसला बड़ा हो गया था, इसलिए मजबूरी में देश के प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता के खिलाफ कार्रवाई की। यह गलत है क्योंकि उनको यह कार्रवाई 10 दिन पहले ही करनी थी। आप मेरे पीएम हैं, आपको मेरी बात सुननी चाहिए। उन्होंने कहा कि आप विदेशी देशों के नेताओं को खुश करना चाहते हैं, आप उनकी तकलीफ को समझते हैं, आप हमारी तकलीफ नहीं समझते हैं। एआईएमआईएम प्रमुख हसदुद्दीन अवैसी ने विपक्षी दलों के इस पूरे मामले पर खामोशी को लेकर भी हमला बोला। हसदुद्दीन अवैसी ने कहा कि जो तथाकथित सेकुलर पार्टी है, इनके मुंह में भी दही जम गई थी, सिर्फ हम ही बोल रहे थे, तथाकथित सेकुलर पार्टी अचानक हरकत में आ गई। दरअसल बीजेपी ने विवादित बयानों के लिए अपनी राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा को रविवार को, जी हां, बीते रविवार को पार्टी से निलंबित कर दिया। वहीं दिल्ली इकाई के मीडिया प्रमुख नवीन जिंदल को पार्टी नेतृत्व ने बीजेपी से निष्कासित करने का फैसला लिया। दोनों नेताओं की विवादित टिप्पणियों को लेकर कई खाड़ी देशों ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। वही टिप्पणियों को लेकर मुस्लिम समुदाय के विरोध के बीच बीजेपी ने कहा कि वह सभी धर्मों का सम्मान करती है और उसे किसी भी धर्म के पूजनीय लोगों का अपमान स्वीकार्य नहीं है। ये पूरी जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।